सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस, फाइनली 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 वंस अगेन द रेड ट्रैप चैप्टर आ चुका है। ये चैप्टर बहुत ही प्यारा होगा। इसको मैंने प्रॉपर एनिमेशन से बनाया है, वो भी 4K में, प्रॉपर HD में देखिए, और बहुत 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 मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेड ट्रैप चैप्टर, और बाकी बातें जो है चैप्टर के एंड में करेंगे। इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका लिंक दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं द रेड ट्रैप चैप्टर। जी हाँ, मैं एक रेड ट्रैप सेलर था और मैं रेड ट्रैप को अपने ही हाथों से बनाया करता था। लेकिन फिर भी मेरा ये काम मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिया करता था, इसलिए मैं कभी कभी छोटी मोटी चोरियाँ भी कर लेता था। खैर, कभी कभी नहीं, ऑलमोस्ट डेली। यार, मैं बहुत गरीब था। फटे हुए कपड़े, धसे हुए गाल और हमेशा भूख मेरी आंखों में दिखाई देती थी। मेरा जीवन उदासी से भरा हुआ था। एक दिन अपने रैप ट्रैप को देखते हुए मुझे अचानक से ख्याल आया कि ये पूरी की पूरी दुनिया कुछ नहीं है, बस एक बिग रैप ट्रैप है। जी हाँ, इस दुनिया में जितना भी पैसा है, जितना भी ऐशो आराम है, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब मनुष्य के लिए एक चारा है। जैसे पनीर और सुअर का मांस चूहे के लिए चारा होते हैं, वैसे ही ये सब भी हमारे लिए चारा है। कोई भी इंसान जब इस लालच में आता है तो इस लालच में हमेशा के लिए बंध के रह जाता है और उसकी लाइफ मानो ख़त्म सी हो जाती है, वैसे ही जैसे चूहा रेड ट्रैप में आके ख़त्म हो जाता है। यार, मैं कितना समझदार आदमी हूँ ना जाने कहें लोग हमें पेडलर पेडलर कहते हैं। हम तो बहुत समझदार हैं यार, इतनी प्यारी इतनी मोटिवेशनल बात मैंने बोल दिया आज। एक दिन शाम को ऐसे ही मैं रेड ट्रैप बेचते हुए सड़क के किनारे गुजर रहा था, तभी मुझे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। क्या चाहिए भाई? भाई साहब, रात हो गई है और मैं रेड ट्रैप बेचता हूँ और मेरा कोई ठिकाना नहीं। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आज रात आपके यहाँ रुक सकता हूँ? यार, वैसे भी मैं अकेला रहता हूँ और आज रात की ही तो बात है। चल आजा, अंदर आजा। क्या खाएगा बता? हाजी, आप इतने प्यार से खिला रहे हैं, कुछ भी खिला दो। कुछ भी नहीं, दलिया है मेरे पास, दलिया खाएगा तू। ठीक है मालिक, आप मुझे दलिया खिला दो। यार, ये कितना अच्छा बंदा है ना, मतलब एक ऐसे इंसान को जिसको जानता नहीं है उसको खाना भी खिला रहा है। वाओ, इसने मुझे रात को खाना खिलाया और तम्बाकू भी खिलाया, और वो भी एक एक्स्ट्रा पाइप से। उसके पास एक स्ट्रेंजर का पाइप था, उसने मुझे उससे तम्बाकू खिलाया और एंड में मेरे साथ एक ताश का गेम भी खेला, तब तक जब तक हम दोनों को नींद नहीं आ गई। जब मैं जवान था तो रम्स जो आयरन वर्क्स में काम करता था, और अब बुढ़ापे के समय मैं दूध बेचने का काम करता हूँ। अजी, दूध बेच के आप कितना कमा लेते होंगे, ये भी कोई काम है? ऐसे मत बोलो, लास्ट मंथ मैंने दूध बेच के 30 crores कमाए थे। अजी हाँ, मतलब ही नहीं बनता, दूध बेच के 30 crores, माथे पे सी लिखा है क्या मेरे? अभी रुको, तेरे को दिखाता हूँ। मैं खिड़की पे गया और मैंने कील से लटकी हुई थैली से 10-10 के 3 crores निकाले। देख, ये है 30 crores जो मैंने पिछले मंथ कमाए थे। तेरी बहन को नमन, इतने सारे पैसे! ओबे भाई, यार मैंने अपनी जिंदगी में इतने पैसे नहीं देखे। यार भाई, मान गया, दूध बेच के 30 crores, कमाल की बात है अंकल। अंकल नहीं, मेरा नाम क्रॉफ्टर है। अच्छा अच्छा, और तुम्हारा? जी न जाने कहे लोग हमें पैडलर पैडलर कहते हैं। ठीक है ठीक है, चलो अब सो जाओ। अगले दिन क्रॉफ्टर जल्दी उठ गया, क्योंकि उसे ऑब्वियस सी बात है काम पे जाना था, पर मुझे उठने का मन नहीं था। पर एक अच्छा आदमी होते हुए मुझे उठना चाहिए, क्योंकि मालिक, घर का मालिक उठ गया हो और मैं सो रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए मुझे भी उसके साथ उठना पड़ा। हम दोनों एक ही समय पर घर से बाहर निकले, लेकिन आधे घंटे बाद मैं वापस आता हूँ।
खिड़की के पास जाता हूँ और खिड़की की कांच को तोड़ता हूँ और 30 crores के नोट थैले में से निकाल लेता हूँ। यार मैं कितना ही समझदार हूँ यार, उस बूढ़े को 30 दिन लगे थे इतने पैसे कमाने में और मुझे बस 30 मिनट। ओ माय गॉड, लेकिन ये क्या पेडलर, मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? अगर मैं इसी रोड पे चलता रहा तो जल्दी ही मैं पकड़ा जाऊंगा। एक काम करता हूँ, जंगल के रास्ते होते हुए चला जाता हूँ। जब मैंने जंगल के रास्ते चलना स्टार्ट किया और फिर चलना स्टार्ट किया और फिर चलना स्टार्ट किया और फिर चलते ही गया, मतलब मुझे रियलाइज हो गया कि मैं जंगल के एक ही हिस्से में सुबह से चल रहा हूँ। सुबह से चलते चलते शाम हो गई और मैं थक गया, मतलब मैं मरने की हालत में हो गया। ना मेरे पास खाने को कुछ, ना मेरे को पीने को कुछ, और इतनी ठंड में जंगल में मैं सुबह से एक ही जंगल के चक्कर लगाते जा रहा हूँ। शिट मैन, ये मैं कहाँ फंस गया यार। एक सेकेंड यार, पेडलर याद है वो दुनिया, वो रैट ट्रैप, वो लालच? शिट मैन, शिट, मुझे लगता है कि मैं भी इस लालच में फंस गया। मैंने उसके 30 crores के लालच में आके चोरी की और इस जंगल में आके फंस गया। इसका मतलब ये है कि मेरा अंत अब नज़दीक आने वाला है। शिट मैन, ये मैंने क्या गलती कर दी। और जैसे ही मैं ये सोचता हूँ मैं ज़मीन पे गिर जाता हूँ। यार प्यास लग रही है, दिसंबर का महीना है, जंगल में यार मरना निश्चित है। या तो जंगली जानवर खा जाएंगे या ये ठंड के मारे मैं मर जाऊंगा। जब मैं ये सोचता हूँ तो उसके बाद मैं ज़मीन पे बिल्कुल गिर जाता हूँ। जब मैं ये सोचता हूँ तो ज़मीन पे गिरने के बाद मेरी हालत और ख़राब हो जाती है। एक सेकेंड, ये आवाज़ कैसी आ रही है? अरे अरे, ये तो लोहे पीटने की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब ज़रूर आस पास कोई आयरन मिल होगी। यस यस यस, क्योंकि आयरन मिल होगी तो वहाँ लोग भी होंगे। ओह माय गॉड, वाओ, मैं फिर से बच गया। मैंने आवाज़ का पीछा किया और फाइनली मैं एक मील तक पहुँच गया। मील के गेट के पास मैंने देखा कि कुछ लोग लोहे पिघलाने का काम कर रहे हैं। मैंने इशारे में उनसे पूछा कि क्या मैं आज रात यहाँ रुक जाऊँ? उन्होंने भी मुझे इशारे में कहा, जा सो जा। आयरन मिल का मालिक रोज सुबह शाम मिल के चक्कर लगाने आता है। वो ये देखने आता है कि काम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अरे आज का काम सही से हुआ? तुम ये काम कर रहे हो बे? हैं? ये लगा। एक सेकंड, अबे वो बंदा कौन लेटा हुआ है वहाँ पे? अजी हमें क्या पता, ऐसे ही आया, कोई कह रहा सो जाओ, मैंने कहा सो जाओ। अबे तो तुम किसी को भी एंट्री दे दोगे ऐसे? बदतमीजो, मना किया ना किसी को भी एंट्री मत दिया करो। हट, अब मुझे भगा लेंदे से। अब मैं जो है मुंह पे टोपी रख के सोया हुआ था। अरे खड़ा। एक सेकंड, अरे कैप्टन साहब आप यहाँ? कैप्टन? अरे कैप्टन साहब, याद है हम एक ही बटालियन में थे, आप सीनियर थे मैं जूनियर था, याद है कैप्टन साहब? क्या बोले जा रहा है भी? कैप्टन साहब आपको आर्मी नहीं छोड़नी चाहिए थी, ई का रेड ट्रैप बेचने लग गए। ओ हो, बड़े अफसोस की बात है कैप्टन साहब। लगता है ये आदमी गलत समझ रहा है। अफसोस की बात तो है, ऊपर वाले की मर्जी है तो क्या कर सकते हैं। कैप्टन साहब आपको पता है मेरी पत्नी, हाँ धर्म पत्नी, उसका देहांत हो गया, मर गई बेचारी। मेरा बेटा विलायत में पढ़ने जाता है और जो लड़की है ना मेरी एडला, अरे वो हसीन खूबसूरत जवान और समझदार हो गई है कैप्टन साहब। अच्छा ठीक है कैप्टन साहब, वो जवानी के दिन बड़े याद आते हैं मुझे। क्या दिन थे वो भी कैप्टन साहब, क्या जवान हुआ करते थे आप भी। अच्छा ठीक है,
कैप्टन साहब, तुम यहाँ काहे रुके हुए हो बे? चलो हमारे साथ हमारे घर आओ, अरे क्रिसमस मनाएंगे, मजे काटेंगे, 3 दिन पार्टी करेंगे, चलो यार। नहीं क्या? अरे कैप्टन साहब, बुरा लग रहा तुम्हें बुरा लग रहा कि मैं तुम पे तरस खा रहा हूँ? ना 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 कैप्टन साहब, तुम तो हमारे मित्र हो बे, चलो हमारे साथ, अरे आओ यार पार्टी करेंगे। नहीं। अरे कैप्टन साहब बस यार, इतना भी भाव मत खाओ, चलो चुपचाप पार्टी वार्टी करेंगे यार। नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता। अरे काहे नहीं आ सकते हो? अरे नहीं आ सकता तो मतलब नहीं आ सकता। अरे चलो यार। नहीं आऊंगा मतलब नहीं आऊंगा। तुमको हमार सौगंध, चलो। मर जा तू, मैं नहीं आ रहा। अरे चलो यार। नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा, मैं यहीं रहूंगा या यहाँ से चला जाऊंगा, पर तेरे साथ नहीं आऊंगा। ठीक है तो तुम नहीं आओगे? नहीं। ठीक है फिर रहो यहीं। पता नहीं क्या हो गया है कैप्टन साहब को। यार ये बंदा कितने गलत समझ रहा है। इस बंदे के घर पे जाना इन द सेंस अपने आप को जान बूझ के शेर के पिंजरे में डालना है। तौबा 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 तौबा, मैं नहीं जाऊंगा। अब गाइस ये जो सीन है, ये आयरन मास्टर के घर का सीन है। उसकी बेटी एडला, पापा पापा आप इतने उदास क्यों हो? अरे यार बेटा, हमारे एक सीनियर थे बटालियन में, कैप्टन साहब आज रेड ट्रैप बेचते हैं, और मज़ेदार बात सुनो, हमारे आयरन मिल में रुके हुए हैं, हम उनको कही कही के थक दिए कि आवा हमारे साथ रहा, वो नहीं आ रहे हैं। पापा पापा मैं ट्राई करूं, मैं जाऊं उनके पास अगर आप कहो तो। हाँ बिटवा, तू जा उनके पास, वो त्योहार बात नहीं टालेंगे, तू जा, हमार बिटिया जा, मना के लेके आ। हाँ पापा मैं जाती हूँ और आपके पुराने दोस्त को मना के ले आती हूँ। जाओ और जाओ नए रथ से, जाओ जाओ बेटा जाओ सबस। अब दोबारा से आयरन मिल का सीन, और इतना मत हंसो, अच्छी लग रही हो वीडियो को तो लाइक करो प्लीज़। अब एटला इतनी समझदार है कि जब वो आयरन मिल पहुँची तो उसने दूर से इंसान को देख लिया कि यार ये तो बहुत ही ख़राब लग रहा है, किसी भी एंगल से जो है ये पढ़ा लिखा नहीं लग रहा है, किसी भी एंगल से जो है ये मतलब लग नहीं रहा है कि ये कभी आर्मी मैन होगा, पर मुझे क्या पता, पापा ने कहा है कि ये होगा तो होगा, चलो बात करते हैं। हेलो कैप्टन। हाय कैप्टन, मेरा नाम है एडला और मैं आपको ले जाने आई हूँ। कहाँ? घर पे। घर पे? अरे मैं जो है आयरन मास्टर की बेटी हूँ, चलो हमारे साथ हमारे घर आओ, आवा कभी हवेली पे बे, आओ हमारे साथ। नहीं जी नहीं, मैं नहीं आ सकता। ये डर कहाँ रहे हो, कांप कहाँ रहे हो? ये कांप रहा है, इसका मतलब ये है कि बंदा डरा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चोर है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने जो है ये कैप्टन नहीं है, हो सकता है, पर मुझे क्या पता, पापा ने कहा है कि अगर ये कैप्टन है तो होगा, चलो यार चलो। अरे नहीं जाऊंगा। अच्छा अच्छा, ऐसे नहीं जाओगे तुम, चलो सुनो फिर, मैं वादा करती हूँ कि तुम रात के 2 बजे भी कहोगे ना कि मुझे वापस जाना है, तो मेरी गारंटी है जिस सही सलामत तुम आए हो उसी सही सलामत तुम्हें मैं वापस छोड़ दूंगी, ये मेरी गारंटी है, वादा 100% वादा, जिस उससे आप आए हो उसी तरीके से मैं आपको छोड़ भी दूंगी, आप बस चलिए हमारे साथ घर। ठीक है, इस वादे पे मैं चल लेता हूँ आपके साथ। अब गाइस ये दोबारा घर का सीन है। आओ हमार गरीब दोस्त आओ, अरे यहाँ आओ यार, अरे एडला खाने वाने को लगाओ, ओ ना करो, ओ अरे कैप्टन साहब परेशान मत हो, मेरे पास बहुत नौकर है, ओ ना करो, इधर आओ इधर आओ, इन भैया के बाल काटो, इन भैया को नहलाओ धुलाओ, अच्छे से फ्रेश फ्रेश करो यार, बेहतरीन तरीके से करो इसको, और सुनो एडला
जो कोट व्हाइट वाला मैं पहनने वाला था क्रिसमस पे, अरे इन भाई साहब को पहनाओ। जाओ जाओ नहला दलो, रात हो गई अब सुबह मिलेंगे, जाओ। अब गाइस सुबह जब नाश्ता कर रहे होते हैं मतलब एडला और उसके फादर, तो एडला कहती है, पापा आर यू श्योर ही इज अ कैप्टन? ऑब्वियस बेटा। पापा मुझे तो ये चोर लगता है। ओए मेरे दोस्त को ऐसा मत बोल, उस बेचारे के बुरे दिन चल रहे हैं इसलिए वो तुझे ऐसा लग रहा है, पर अभी जब नहा धोआ के आएगा ना तेरे को बिल्कुल डिफरेंट बंदा मिलेगा, तो तू परेशान मत हो और चुपचाप खाना खा। अच्छा पापा, पापा पीछे देखो आपका दोस्त नहा धोआ के आ गया, तू कौन है बे? पैडलर। तू कैप्टन नहीं है? नहीं। तो तू यहाँ क्या कर रहा है? तुमने बुलाया। अबे बेवकूफ, तो तू मना भी तो कर सकता था। मना ही तो किया था। अरे तू मना कर देता ना मैं नहीं आऊंगा। वही तो किया था। अरे तू बता देता ना तू कैप्टन नहीं है। बता ही तो रहा था, तुम ही कहते चलो 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 तो ले आओ। ओ बदतमीज, आवाज नीचे करके बात कर। एक तो तू मतलब ठगी कर रहा है मेरे साथ, एडला देख रही हो तुम कितना बदतमीज आदमी है। रुक अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं साहब नहीं, पुलिस को मत बुलाइएगा। क्यों हो गई हवा टाइट? नहीं साहब, आप आज लालच में आ रहे हैं, एक दिन आप भी जो है फंसेंगे, आप भी रेड ट्रैप की तरह जाल में फंसेंगे, सबके सब जाल में फंसेंगे। क्या बोल रहा है बे? ये पूरी दुनिया कुछ नहीं है। ओ ओ चुप रह चुप रह, बकवास नहीं बकवास नहीं। तू ना पैडलर नहीं है, तू बेवकूफ है। एक काम कर चुपचाप निकल जा घर से। थैंक यू। और सुनो ओ ये व्हाइट कोट निकाल के जा, बदतमीज ने व्हाइट कोट भी खराब कर दिया। चल निकल यहाँ सब, पुराने कपड़े पहनो निकल। पापा ये किस बदतमीजी से बात कर रहे हो आप? अरे बेटा तू सही कह रही थी, ये जो है कैप्टन नहीं है, ये कोई राइटर वाइटर बेचता है यार, मैंने अगला समझ लिया था। नहीं पापा मैं मानती हूँ ये कैप्टन नहीं है, लेकिन ये हमारा मेहमान तो है। अरे बेटा मेहमान कैसा, अब जब ये कैप्टन ही नहीं है तो इसका घर में रहने का कोई मतलब नहीं है। नहीं पापा गलत बात, अब ये 3 दिन तक यहीं रहेगा क्योंकि अब हमारा मेहमान बन के आया, तो आप इसको ऐसे नहीं भेज सकते। नहीं बेटा ऐसे बदतमीजी मत करो पापा, बस बहुत हुआ पापा। पिताश्री। ठीक है तो ऐसा नहीं है, आप जो है ये यहीं रहेगा आप कम से कम 3 दिन। यार तेरी जिद के आगे ना मैं कभी मतलब पता नहीं क्या ही नहीं कर पाता मैं। चल ठीक है। सुनो भाई साहब। हाँ जी मेम साहब। अरे तुम 3 दिन यहाँ मौज लो बे, खाओ पियो आराम करो, ठीक है खूब खाओ खूब सो आराम करो इस चीज़ को। थैंक यू, तुम कितनी अच्छी यार, ये कितनी औसम है यार। अब इसके बाद जो है पेडलर इस बात को बहुत सीरियसली लेता है कि खाओ पियो और मौज लो, तो आराम से बैठता है खाता है पीता है, फिर उठता है फिर खाता है फिर पीता है, फिर उठता है फिर सोता है, कभी भी उठ जाता है कभी भी सो जाता है, कभी 3 बजे उठता है कभी सुबह 4 बजे उठ जाता है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, मतलब खाना पीना सोना यही काम है। 3 दिन बाद एडला और उसके फादर जो है चर्च जाते हैं प्रेयर करने के लिए, मतलब क्रिसमस का अगले दिन। पापा पापा याद है ये तो वही क्रॉफ्टर है ना जो हमारे आयरन मिल में काम करता था कई साल पहले। हाँ बेटा यू आर राइट, ये तो वही क्रॉफ्टर है। अरे क्रॉफ्टर इधर आओ बे, क्या कर रहे हो आजकल? का हाल है मालिक साहब? इतना उदास काहे हो बे? का बताए साहब, बहुत परेशानी है। का करते हो आजकल? दूध बेचने का काम। दूध बेच के कितना कमा लेते हो? ई मत पूछिए साहब, ई मत पूछिए। क्यों? परसों ही किसी बेवकूफ ने ही पूछा था, मैंने उसको पैसे दिखाए और वो मेरे साथ पैसे लेके चला गया। अच्छा कौन था? अरे होगा कोई पैडलर। पैडलर क्या? पैडलर नाम था उसका। पैडलर लंबी दाढ़ी पुराने कपड़े? हाँ जी वही। एडला पापा, एडला पापा, एडला अरे वीडियो लंबा नहीं करते हैं, जल्दी चलो यार, सारे चांदी के चम्मचे सारी कप प्लेट सब गायब हो गई होंगी यार, हमने अपने घर में एक चोर को रख रखा था 3 दिन से। शिट यार एडला मैं इसलिए तेरे को मना कर रहा था। सॉरी पापा मेरे से गलती हो गई। अब क्या गलती हो गई यार, सब कुछ गायब हो चुका होगा। घर पहुंचने के बाद जो आयरन मास्टर है वो अपने उससे पूछते हैं चौकीदार से, ओए
अबे कहाँ गया वो? अजी वो तो चला गया। चला गया? क्या लेके गया? ये लेके तो कुछ नहीं गया, पर बेसिकली कुछ चीज छोड़ के गया है। एडला के लिए कोई गिफ्ट विफ्ट छोड़ के गया उसके रूम में। अब एडला जाती है तो क्या देखती है कि उसको एक स्मॉल रैट ट्रैप मिलता है हाथ से बना हुआ। उसके अंदर एक लेटर होता है। उस लेटर में लिखा होता है, डियर एडला, मेरा नाम बैटलर है। दरअसल यू आर राइट, मैं कैप्टन नहीं हूँ। और दरअसल मुझे लगता है कि मैं पेडलर भी नहीं हूँ, मैं रेड ट्रैप सेलर भी नहीं हूँ, मैं तो एक चोर हूँ। मैंने अभी हाल ही फिलहाल में 30 करोड़ सेना चुराए थे, पर तुम्हारे साथ रह के मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंसानियत नाम की चीज़ होती है। लोग अच्छे हो सकते हैं, हम अच्छे बन सकते हैं। तो आपकी काइंडनेस से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि जिस तरीके से आपने मुझे 3 दिन एज अ कैप्टन ट्रीट किया है, उसी तरीके से दुनिया भी मुझे एज अ कैप्टन ट्रीट करेगी। मैं वादा करता हूँ कि अब से जो है मैं कैप्टन बन के रहूँगा, और ये 30 क्रोनर्स मेरे नहीं हैं, आपके भी नहीं हैं। ये 30 क्रोनर्स एक यहाँ पड़ोस में ही हाईवे की तरफ एक पुराना सा घर है, कुटिया है, वहाँ पे एक बुढ़ा क्रॉफ्टर रहता है, आप कृपया करके उसे दे दीजिएगा। और ये रेड ट्रैप मैंने अपने हाथ से बनाया है आपके लिए एज अ क्रिसमस गिफ्ट। मैरी क्रिसमस, बाय आपका कैप्टन। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। यही था आपका चैप्टर। और वंस अगेन, अगर आपको इस चैप्टर के PDF चाहिए तो आप मुझे Instagram पे मैसेज कर सकते हैं, और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, किसी भी टाइप के MCQs हो, चाहे RTCs हो, चाहे वो हो, तो आप उसके लिए EduCard की बुक खरीद सकते हैं। EduCard की बुक बहुत बढ़िया बुक है, आपको इसमें बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिलेंगी, और इस बुक का नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लोगों को बताइए यार 4K में रेड ट्रैप चैप्टर एनिमेशन से कौन पढ़ाएगा इतने बढ़िया तरीके से। तो चलिए, आई होप आप सपोर्ट करेंगे, इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे, EduCard की बुक खरीदेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय गाइज, टेक केयर।